हाँ सर, हमारे बीच में माडपुरा पुराना गांव से हनुमाना राम जी मौजूद है, जो 10 साल तक एमपीटी में खुद काम कर चुके हैं और अभी वर्तमान में रिफाइनरी में जो है काम कर रहे हैं, और ये इस गांव के स्थानीय निवासी है जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को देखा। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि केयर्न और वेदांता की तरफ से वर्तमान में गाँव में जो कार्य चल रहे हैं उनके बारे में दो शब्द कहें। नहीं, कम से कम 1996 से काम कर रहा है, बहुत अच्छा लोगों का भी सहयोग इसमें, और जो इतना परसेंट रहता है उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत खर्च किया। हमारे स्कूल में भी एक भवन दिया है, देखो आंगनबाड़ी भी दिया है, और बाड़मेर में केंद्र भी खोला है कैन ने, और हमारे स्कूल में कंप्यूटर भी दिया है, बहुत सेव कर रहा है कैन, ये कैन वेदांता, और बहुत लोगों को आगे बढ़ाया है। प्रशिक्षण शिक्षक संस्थान भी खोले हुए हैं कंपनी के, और हम लोग कई साल 15 साल से कंटिन्यू एमपीटी नागरम जॉब हमको मिला है, और हमारे भाई लोगों को बुलाए से मतलब को पूरे माडपुरा में आजा लोग जो युवा बेरोजगार है उनको इधर जॉब मिला है। बहुत अच्छा सहयोग है कंपनी का, इन कंपनियों के आने से गांव के जो बहुत लोगों को फायदा हुआ है, विकास के नए रास्ते। देखो, जिसके पास साइकिल नहीं था आज वो अपना इनोवा स्कॉर्पियो गाड़ी में घूम रहे हैं, इससे असर और कंपनी क्या कर सकता है, और हम लोगों को क्या रोजगार मिल सकता है, इससे असर और बहुत बेनिफिट हुआ है कैन वेदांता आने से। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरे कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे हमने अभी चर्चा की, बहुत है, जैसे जल संबंधित है, शिक्षा संबंधी है, अपना कंप्यूटर वगैरह, बहुत हर क्षेत्र के अंदर कैन अपना योगदान दे रहा है हम लोगों। अब वो सीखने वाले सीख रहे हैं, और जिसको ना समझी वो तो वैसे ही चलते रहते हैं उनका आदत वैसे। बाकी बहुत सुधार हुआ है, कंपनी अपने ये तेल निकालने के साथ साथ लोगों को बहुत रोजगार भी दिया है, हजारों करोड़ों की संख्या में लोग आगे बढ़े हैं। मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस कंपनी को, और आगे भी हमको सहयोग मिलता रहे, और हम लोग भी इनके कंपनी का सहयोग करते रहे।